तो बच्चों, क्लास 12th केमिस्ट्री में हम लोग अल्कोहल फेनॉल ईथर्स कर रहे थे चैप्टर, और उस चैप्टर में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे थे जिसमें कि हम लोग एसिडिक नेचर डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, अल्कोहल फेनॉल्स का। वो टॉपिक हम लोग कर चुके थे ऑलरेडी, और क्या फैक्टर्स है जो उसके एसिडिक स्ट्रेंथ को अफेक्ट करता है ये भी ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मैंने कहा था कि कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, तो आइए एग्जाम्पल 11.4 पे आते हैं जो उसी से रिलेटेड है। एग्जाम्पल 11.4, ठीक है। इस क्वेश्चन में अगर आपके पास बुक है तो उसको निकाल लेंगे और एग्जाम्पल 11.4 निकाल लेंगे। इसमें क्या दिया हुआ है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। हम लोगों को क्या करना है, फॉलोइंग जो कंपाउंड्स है उसको अरेंज करना है, किस ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर। किस चीज का इंक्रीजिंग ऑर्डर, एसिडिक स्ट्रेंथ का, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब आपको पता ही होगा, यानी कि जिसका कम वैल्यू है एसिडिक स्ट्रेंथ, जिसका कम है उसको पहले लिखेंगे, और जैसे जैसे एसिडिक नेचर बढ़ता जाएगा उसको हम लोग आगे लिखते जाएंगे, है ना। यही होता है असेंडिंग ऑर्डर, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो जो कंपाउंड्स दिया हुआ है वो क्या क्या दिया हुआ है उसको पहले लिख लेते हैं। एक है प्रोपेन वन ऑल, तो प्रोपेन वन ऑल मैं स्ट्रक्चर बनाता जा रहा हूँ उसका, प्रोपेन वन ऑल, ठीक। दूसरा जो है वो है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल। ऐसे क्वेश्चन में तो सिर्फ नाम लिखा हुआ है, बट आप अगर स्ट्रक्चर बना करके करते हैं तो ज़्यादा सही होगा, आप एनालाइज ज़्यादा सही से कर पाएंगे कि क्या इफेक्ट पड़ रहा है किसी चीज़ का। फिर थर्ड कंपाउंड जो दिया हुआ है वो है 3-नाइट्रोफेनॉल, कैसे लिखेंगे, 3-नाइट्रोफेनॉल। तो ये हो गया फेनॉल, 1,2,3, 3-नाइट्रोफेनॉल, ठीक है। फिर है 3,5-डाइनाइट्रोफेनॉल, 3,5-डाइनाइट्रोफेनॉल। तो ये फेनॉल हो गया, 1,2,3, 3,5-डाइनाइट्रो, नाइट्रो NO2, तो 3,5-डाइनाइट्रो हो गया और फेनॉल हो गया। उसके बाद एक और कंपाउंड है, दो और है, एक है फेनॉल, इसके बाद फेनॉल ऐसे लिखते हैं, ये हो गया फेनॉल। और फिर एक कंपाउंड है 4-मिथाइल फेनॉल, ये हो गया 4-मिथाइल, 1,2,3,4, 4 पे मिथाइल और फेनॉल, ठीक है। तो इस तरह से 1, 2, 3, 4 और 6 कंपाउंड्स आपके सामने में है। इस कंपाउंड को फिर बार बार लिखेंगे तो दिक्कत होगा, तो इसलिए मैं इसको 1,2 कर दे रहा हूँ ऐसी नंबरिंग। ये 1,2 का मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं कर रहा हूँ, जस्ट नंबर दे रहा हूँ, 1,2,3,4, और ये कंपाउंड 5 कह देते हैं, इस कंपाउंड को 6 कह देते हैं। आप इसको ABCD भी मान सकते थे, है ना, 1,2,3 नहीं मान करके ABCDEF ऐसे मान सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको ज़रा सा हम लोग अरेंज कर लें, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या पढ़े हम लोग, सबसे पहली बात तो ये कि जो अल्कोहल होता है ROH, और जो फेनॉल होता है ROH और फेनॉल, है ना। तो अल्कोहल और फेनॉल में ज़्यादा एसिडिक कौन होता है, यहाँ पे आप देखिए, वन को छोड़ करके बाकी सब फेनॉल है, यानी बेंजीन पे OH डायरेक्टली लगा हुआ है तो फेनॉल हुआ, तो वन के अलावा बाकी सब फेनॉल है, और वन जो है वो अल्कोहल है। तो अल्कोहल और फेनॉल में ज़्यादा एसिडिक कौन होता है, फेनॉल। अल्कोहल कम एसिडिक होता है, ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हैं। देखिए अल्कोहल ROH है, जब ये H+ देगा तो H+ देने के बाद क्या बनाएगा, अल्कोक्साइड आयन, हम लोग पढ़ चुके हैं, और फेनॉल बेंजीन OH, ये जब H+ देगा तो क्या बनाएगा, फेनोक्साइड आयन या फिर फिनेट आयन, ठीक, फेनोक्साइड या फिर फिनेट आयन ये बनाएगा, है ना। तो ये जो दोनों है, इस दोनों का हम लोग जब स्टेबिलिटी देखेंगे तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे, इसको मैं लिखवा भी दूंगा, वो ज़्यादा बेटर होगा,
ठीक है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा लिखवा भी दूंगा, वो सही रहेगा, ये अभी लिख ही लीजिए। ये एल्कोक्साइड आयन है और ये फेनेट आयन है। तो एल्कोक्साइड आयन में ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है और ऊपर से एल्काइल ग्रुप जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है और इस पर पहले से नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी इस पर बढ़ जाएगा ना, और इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, इसका इस पर रिपल्शन बढ़ेगा और इसका जो स्टेबिलिटी है वो कम हो जाएगा। और इस केस में ऑलरेडी हम लोग क्या देख चुके हैं फेनेट आयन में, कि यहाँ पे रेजोनेंस होता है और रेजोनेंस के चलते नेगेटिव चार्ज यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस तरह से ऑर्थो पारा पे डिलोकलाइज होता रहता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फिक्स्ड है, ऊपर से देने वाला ग्रुप इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और बढ़ा रहा है जिसके चलते इसका स्टेबिलिटी घट जा रहा है, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज एक जगह पे फिक्स्ड नहीं है, वो मॉलिक्यूल में घूमता रहता है। इसको हम लोग बोलते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज। और डीलोकलाइजेशन होने के चलते क्या होता है कि ये ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाता है, ये फेनेट आयन ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है, और ये कम स्टेबल है। अगर ये ज़्यादा स्टेबल है इसका क्या मतलब हुआ कि जो फेनॉल है वो ज़्यादा आसानी से H+ दे करके ये बनाना चाहेगा, और जितना आसानी से H+ दे रहा है इसका मतलब ये ज़्यादा एसिडिक हुआ, ठीक है। तो किसी अल्कोहल और फेनॉल को जब हम कंपेयर करते हैं तो फेनॉल हमेशा ज़्यादा एसिडिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इन एल्कोक्साइड आयन, इन एल्कोक्साइड आयन नेगेटिव चार्ज इज लोकलाइज्ड, मतलब एक जगह पे इज लोकलाइज्ड ऑन ऑक्सीजन एंड एल्काइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप विच इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन एल्कोक्साइड आयन, विच इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन एल्कोक्साइड आयन एंड डिक्रीजेस द स्टेबिलिटी, ठीक है, उसका स्टेबिलिटी कम हो जाता है। और फेनेट या फेनोक्साइड आयन, इन फेनेट आयन नेगेटिव चार्ज negative charge is delocalized due to plus R effect. No. Infinite ion negative charge is delocalized due to plus R effect. Which stabilizes, the फेनेट आयन, जो कि फेनेट आयन को स्टेबलाइज करता है, ठीक है, विच स्टेबलाइजेस द फेनेट आयन। तो कहने का मतलब फेनेट आयन ज्यादा स्टेबल है, सो हम लोग स्टेबिलिटी इसका दिखाते हैं और एसिडिक नेचर इसका बोलते हैं। सो फेनॉल इज मोर एसिडिक देन द अल्कोहल, इसलिए फेनॉल ज़्यादा एसिडिक होता है किससे, अल्कोहल से।
ठीक है। तो यहाँ पे हमारी बात ये हुई, वो उसको आप लिख भी लेंगे, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है ना। कभी कभी अल्कोहल और फेनॉल का डायरेक्ट कंपैरिजन भी आता है और रीज़न बताना होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लैंग्वेज में लिख भी दिया है इसको, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पे अगर हम लोग आए यहाँ पर, तो ये अल्कोहल, ये पैर से दब जाता है, तो यहाँ पे ये बात हो रही थी कि ये अल्कोहल है और बाकी सारा ये क्या है, फेनॉल है ना। तो अल्कोहल कम एसिडिक होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है हमें, यानी कि जो सबसे कम है एसिडिक नेचर उसको पहले लिखना है। तो वन जो है उसका सबसे कम है तो उसको पहले लिख दिए, ठीक है। अब बाकी पे आते हैं, बाकी सब तो अब फेनॉल है केवल। अब इस पे देखिए, फेनॉल में NO2 ग्रुप, NO2 ग्रुप कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, लास्ट क्लास में बता चुका हूँ। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहने से क्या होता है, एसिडिक नेचर बढ़ता है, और जितना ज़्यादा वैसा नंबर होगा उतना ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा, तो इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा NO2 अगर लगा हुआ है तो। इसमें यानी कि यहाँ पे NO2 यानी इन सब का फेनॉल से तो ज़्यादा होगा। 5 नंबर पे अगर आएँ तो ये फेनॉल है केवल, इसमें NO2 ग्रुप नहीं लगा हुआ है, तो यानी कि इसका कम होगा। और यहाँ पर ये जो ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, देने वाला इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है। मिथाइल मैंने बताया था, अल्काइल या अल्कोक्सी, ये सब इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप होता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन देगा, अब ये जो इलेक्ट्रॉन देगा, देने वाला ग्रुप क्या करता है, एसिडिक नेचर को कम करता है। तो फेनॉल और ये जो मिथाइल फेनॉल है, इस दोनों में कम एसिडिक किसका होगा, ये लेस एसिडिक होगा, क्योंकि ये वाला ग्रुप जो है वो घटाता है एसिडिक नेचर को। जो डोनेटिंग ग्रुप होगा वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, जिसके चलते फेनेट आयन का स्टेबिलिटी घट जाता है रिपल्शन बढ़ने के चलते। तो इसलिए इसका, इस केस में इसका जो एसिडिक नेचर है वो कम होगा, किससे, फेनॉल से। तो अल्कोहल के बाद सबसे जो है कम वो इसी का है, तो इसलिए यानी कि हम लोग 6 नंबर कंपाउंड लिख सकते हैं, 1 के पास इसका ज़्यादा होगा। अब इस वाले में क्या है, सिर्फ फेनॉल है, कोई घटाने वाला ग्रुप नहीं है और कोई बढ़ाने वाला ग्रुप भी नहीं है, तो इसलिए 5 नंबर लिख देंगे। ये हो जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है, इस तरह से बढ़ेगा। अब आ जाएंगे इस वाले ग्रुप में, NO2। अब जैसे फेनॉल में NO2 ग्रुप लगा रहता है तो वो क्या करेगा, एसिडिक नेचर बढ़ाता है। तो अब यहाँ पे एक ऐसा ग्रुप लगा हुआ है तो बढ़ाएगा, फेनॉल से तो ज़्यादा इसका हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे 2 लगा हुआ है तो इससे ज़्यादा इसका हो जाएगा, और बढ़ाने वाला ग्रुप यहाँ पे 3 है तो इससे ज़्यादा फिर इसका हो जाएगा, सही है। तो इसलिए हम लोग ऑर्डर क्या लिख सकते हैं, इसके बाद 5 हो गया, अब उसके बाद 3 लिखेंगे, फिर 4, फिर 2, फिर हो गया 3, फिर 4 और फिर 2, इस तरह से, ठीक है। तो ये ऑर्डर हो गया, ये जो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं उसमें आप, ये ऑर्डर उसका हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। इस तरह से हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करते हैं और इस तरह से हम लोग बात करते हैं उस पर कि ऐसे वो बढ़ता है या घटने का होगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर बोलेगा तो आप डिक्रीजिंग ऑर्डर कीजिए, अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला जाता है तो आप इंक्रीजिंग ऑर्डर कीजिए, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं है मेरे ख्याल से, ठीक है। एक चलिए, यहाँ पे तो ये बात हो गई। अब एक चीज़ हम लोग जरा सा यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे देखिए एक टेबल दिया हुआ है और उसमें डिफरेंट कंपाउंड्स का PKA वैल्यूज़ दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग क्या पढ़े थे कि PKA वैल्यू जितना ज़्यादा होता है एसिडिक नेचर उतना कम होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग ये देखें तो ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल यानी ये, ठीक, उसका PKA वैल्यू, ये जो PKA वैल्यू है वो दिया हुआ है 7.2, और
मेटानाइट्रोफेनॉल, ये थोड़ा अलग अलग केसेस हैं उसको मैं डिस्कस कर देता हूँ। मेटानाइट्रोफेनॉल, इसका जो पीके वैल्यू दिया हुआ है वो है 8.3, और पारानाइट्रोफेनॉल इसका जो दिया हुआ है वो है 7.1। ठीक है, यहाँ पे, यहाँ पे देख रहे हैं, तो ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल, ऑर्थो, मेटा और पारा, ये तीनों चीज़ दिया हुआ है। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं, पीके वैल्यू सबसे कम किसका है, पारा नाइट्रोफेनॉल का। तो पारा नाइट्रोफेनॉल जो कंपाउंड है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक है इस तीनों में। इसके बाद कौन है, ऑर्थो, ठीक है, उसके बाद फिर कौन है, मेटा। ये आपको ध्यान रखना है ना। पारा जो नाइट्रो अगर लगा रहेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पारा पे लगा हुआ है, तो वो ज़्यादा एसिडिक है, फिर ऑर्थो पे और फिर मेटा पे। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। अब फेनॉल, फेनॉल का जो है, सिर्फ फेनॉल मैं बोल रहा हूँ, फेनॉल का यहाँ पे दिया हुआ है 10, वैल्यू 10। ठीक है, यानी कि इन सबसे काफ़ी ज़्यादा पी के वैल्यू है, यानी एसिडिक नेचर इन सबसे काफ़ी कम हो गया। ठीक है, उसके बाद है क्रेसॉल। क्रेसॉल क्या होता है, बेंजीन पे, मतलब फेनॉल के साथ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रेसॉल। ऑर्थो पे लगा हुआ है तो ऑर्थो क्रेसॉल, मेटा पे है तो मेटा क्रेसॉल, पारा पे है तो पारा क्रेसॉल। तो ऑर्थो, मेटा, पारा क्रेसॉल का यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑर्थो, मेटा, पारा क्रेसॉल, तो ऑर्थो जैसे फेनॉल हो गया, क्रेसॉल ये हो गया, ऑर्थो क्रेसॉल, मेटा क्रेसॉल, ये हो गया पारा क्रेसॉल, ऑर्थो, मेटा, पारा, ये क्रेसॉल हो गया। ठीक है, अब इसमें ऑर्थो, मेटा, पारा, इसमें सबका वैल्यू दिया हुआ है क्या। ऑर्थो का है 10.2, ठीक है, मेटा का है 10.1 और पारा का है 10.2। ठीक है, और इथेनॉल का तो काफ़ी ज़्यादा है, यानी उससे भी कम। तो हम लोग जो बात यहाँ पे ये कर रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है मॉलिक्यूल में, तो पारा का ज़्यादा होगा, फिर ऑर्थो का होगा और फिर मेटा का होगा। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, ये तो डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, तो डोनेटिंग ग्रुप में क्या है? आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दो फैक्टर है एक्चुअली में। पहले इसको समझते हैं फिर इसको समझते हैं। देखिए, हम लोग क्या पढ़े थे कि फेनॉल जब H+ देगा तो फिनेटाइन बनाएगा। फिनेटाइन जितना स्टेबल है, इसका मतलब वो जो फेनॉल होगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा। तो फिनेट आयन के केस में नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पे और पारा पे आता है, पढ़े थे। तो इसलिए क्या होता है कि NO2 ग्रुप, याद है मैंने लिखवाया भी था कि NO2 ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर ऑर्थो और पारा पे रहता है तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज फिनेट आयन में ऑर्थो और पारा पे ही आता है, तो इसलिए वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है इलेक्ट्रॉन को पुल करने के लिए और ज़्यादा एसिडिक नेचर हो जाएगा उसका। ये बातें हो चुकी हैं, तो इसलिए ये चीज़ है ना, इस दोनों का ज़्यादा होगा, मेटा का कम होगा। अब इस दोनों में जो है, ऑर्थो और पारा की जब बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, तो पीके का वैल्यू देखिए 7.1 है, इसका मतलब एसिडिक नेचर थोड़ा पारा का ज़्यादा है ऑलरेडी। तो पारा वाला इसलिए ज़्यादा बोलते हैं क्योंकि जब ये फेनेट आयन देगा तो H+ निकल जाएगा यहाँ पे O- और ये, तो पारा जो होगा, पारा वाला चीज़ वो ज़्यादा सिमेट्रिक होता है, क्योंकि बेंजीन मॉलिक्यूल के ऊपर और नीचे जस्ट ऑपोजिट में है दोनों, तो सिमेट्रिक होने के चलते वो ज़्यादा स्टेबल होता है, थोड़ा सा उसका स्टेबिलिटी और ज़्यादा हो जाता है सिमेट्री होने के चलते, और सिमेट्री होने के चलते वो ज़्यादा स्टेबल थोड़ा हो जाएगा। तो इसलिए कहने का मतलब, इन तीनों केसेस में जो फेनेट आयन मिलेगा, तो यहाँ वाला जो फेनेट आयन होगा वो थोड़ा ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि सिमेट्रिक इफेक्ट के चलते। और ज़्यादा स्टेबल अगर होगा यहाँ पे फेनेट आयन, तो एसिडिक नेचर स्वाभाविक है कि ज़्यादा होगा, तो इसलिए पारा का थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, फिर उसके बाद ऑर्थो का होता है और मेटा का इसलिए कम होता है। ठीक है, ये बात तो हम लोग समझ चुके हैं।
यहाँ पर आइए, यहाँ पर अगर देखें तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, डोनेटिंग ग्रुप से तो कम हो जाता है, तो नाइट्रो वाले से इन सब का कम है, ठीक है। अब इसमें अगर देखें तो होता ये है कि फेनेट आयन जो है उस पर नेगेटिव चार्ज का डिलोकलाइजेशन होगा ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट। तो नेगेटिव चार्ज कहाँ आएगा, ऑर्थो पे आएगा और पारा पे आएगा ना, तो ऑर्थो पे और पारा पे आता है। और अगर वहाँ पे ही ऑर्थो और पारा पे ही इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप लगा हुआ है तो उससे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी वो थोड़ा और बढ़ा देगा, तो स्टेबिलिटी तो और घटा देगा ना, और स्टेबिलिटी घटेगा तो एसिडिक नेचर कम हो जाएगा। तो इसलिए ऑर्थो वाला और पारा वाला का एसिडिक नेचर कम होता है, ठीक, किससे, मेटा वाले से। आई बात समझ में, हम लोग ये कर रहे हैं ना। तो पीके का वैल्यू देखिए आपका, या इस दोनों का ज़्यादा दिया हुआ है पीके वैल्यू, इसका पीके वैल्यू थोड़ा सा कम है, तो पीके वैल्यू थोड़ा कम है यानी एसिडिक नेचर ज़्यादा है ना, तो इसलिए एसिडिक नेचर पे हम बात कर रहे हैं, ऑर्डर में एसिडिक नेचर का लिख रहा हूँ। तो मेटाक्रेसोल जो होगा, मेटाक्रेसोल उसका एसिडिक नेचर ज़्यादा होता है ऑर्थोपारा से, ठीक है। और यहाँ ऑर्थो और पारा का लगभग बराबर वैल्यू है पीके का, दैट मीन्स दोनों का एसिडिक नेचर ऑलमोस्ट सेम। रीज़न क्या है यहाँ पे, एक्चुअली एक्सपेरिमेंटली ये चीज़ है कि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पर इन दोनों का। एक यहाँ पे नज़दीक होने के चलते अगर मान लीजिए ज़्यादा करता है तो ये स्टेबल थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो दोनों फैक्टर एक्चुअली में काउंटर बैलेंस कर देता है, और इसलिए ऑर्थो और पाराक्रेसोल्स का बराबर होता है, ठीक है। ऑर्थो क्रेसोल इक्वल्स टू पारा क्रेसोल, ये थोड़ा ध्यान देंगे आप, है ना। तो अगर हम लोग कंक्लूड करें इस बात को, इस क्वेश्चन को, तो हम ये समझ सकते हैं कि नाइट्रो ग्रुप जो है कहाँ लगा रहेगा तो क्या होगा, ठीक है, पारा का ज़्यादा, फिर ऑर्थो और फिर मेटा। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ऑर्थो और पारा का लगभग बराबर होता है ना, बराबर ही होता है। और मेटा का जो है वो पीके वैल्यू थोड़ा क्या होगा, कम होगा बाकी से, यानी कि एसिडिक नेचर जो है क्रेसोल का, मेटा वाला पोजीशन मेटा क्रेसोल का, उसका एसिडिक नेचर थोड़ा ज़्यादा होगा ऑर्थो और पारा से, और ऑर्थो पारा का बराबर होता है, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, है ना। चलिए अब हम लोग ज़रा सा बात कर लें, दूसरे रिएक्शन पे आते हैं, है ना। ये तो एसिडिक नेचर की बात थी, हम लोग एक्चुअली जो टॉपिक स्टार्ट किए हुए हैं वो क्या है हमारा, केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, अल्कोहल और फेनॉल का केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जो पहला प्रॉपर्टी था एसिडिक नेचर, ये काफ़ी मेन टॉपिक था एसिडिक नेचर, और उससे क्वेश्चंस भी काफ़ी सारे आते हैं, ठीक है, और ज़्यादा समझने का भी चीज़ था, लंबा टॉपिक भी था वो। अब जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में पहला हम लोगों का एसिडिक नेचर ख़त्म हुआ, ठीक है, अब जो है वो है दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी, और वो क्या है, स्टेरिफिकेशन। स्टेरिफिकेशन का मतलब स्टर बनना, है ना। तो नाम से भी क्लियर लग रहा है कि ये जो रिएक्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे क्या होने जा रहा है, यहाँ पे स्टर्स बनने जा रहा है, ठीक है, इसमें, ठीक है। तो स्टर जो बनने जा रहा है, तो आप जूनियर क्लास में भी स्टर्स के बारे में पढ़े हुए हैं। स्टर जो होता है वो फ्रूट स्मेलिंग कंपाउंड होता है, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड, है ना, मीठा मीठा उसका खुशबू होता है स्टर्स का, ठीक है। तो जैसे आप लोगों ने पढ़ा कि इस केस में यहाँ पे हम लोग जब अल्कोहल का रिएक्शन करवाते हैं अलग अलग चीज़ों के साथ तो स्टर्स बनता है। उसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ भी रिएक्शन करवाएंगे, हम लोग एसिड हैलाइड के साथ भी करवाएंगे, कार्बोनिल हैलाइड उसके साथ, और हम लोग जो है वो एनहाइड्राइड के साथ भी करवाएंगे, एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। मतलब तीन तरह से स्टेरिफिकेशन जनरली होता है, जो सबसे कॉमन है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ आप रिएक्शन करवाइए, किसका, अल्कोहल का। तो अल्कोहल का कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन, अल्कोहल का कार्बोनिल हैलाइड के साथ रिएक्शन, और अल्कोहल का एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन, ये तीन तरीके से हम लोग अभी एस्टर बनाने जा रहे हैं, ठीक है।
तो चलिए इसको पहले लिख लेते हैं। स्टेरिफिकेशन नंबर वन या ए कर लेते हैं इसमें। तो इसमें देखिए, व्हेन अल्कोहल्स, व्हेन अल्कोहल्स आर रिएक्टेड विथ when alcohols are reacted with carboxylic acids in the presence of when alcohols are reacted with carboxylic acid in the presence of in the presence of concentrated H2SO4 then sweet smelling compound yani ki esters are formed। तो जैसे कोई अल्कोहल ऐसे रिप्रेजेंट कर लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड्स तो R-COOH, ये कोई कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ये अल्कोहल और ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये दोनों जब रिएक्शन होता है किसके प्रेजेंस में, कॉन्क H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, यानी वो वाटर इजली निकालेगा। तो अभी इसके पहले के टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं कि अल्कोहल और फेनॉल एसिडिक होता है, तो ये एसिडिक नेचर शो करता है, ये रिएक्शन जो है वो अल्कोहल का एसिडिक नेचर शो करता है। दैट मीन्स अल्कोहल जो है वो H प्लस देगा और कार्बोक्सिलिक एसिड से OH निकलेगा, तो H2O बाहर होगा। ध्यान रखेंगे अल्कोहल से H प्लस निकलता है, ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड से OH, तो क्या बाहर गया, वाटर H2O बाहर निकल गया और बना क्या फिर ROCOR-, ठीक है, ROCOR- और वाटर बाहर निकल गया, वाटर साइड प्रोडक्ट हो गया। तो ये जो कंपाउंड बना COO, ये इस्टर ग्रुप होता है, तो इसलिए जो कंपाउंड बना वो इस्टर है, ठीक है। तो इस रिएक्शन में इस तरह से इस्टर और वाटर बन रहा है ना। जब हम लोग इस्टर में वाटर मिला देते हैं तो वापस हम लोग को ये मिल जाता है, इसलिए ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसको ऐसे कर लिए, ठीक है। इस्टर में जब हम लोग वाटर, आगे पढ़ेंगे ये चीज़, हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का जब प्रिपरेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर, तो इस्टर में जब हम लोग वाटर डालते हैं तो वापस हम लोगों को कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या ध्यान देना है कि जो इस्टर बन रहा है और जो वाटर बन रहा है, या तो दोनों को या तो एक को हम रेगुलरली हटाते रहते हैं यहाँ से। जो रिएक्शन प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का जो मिक्सचर है यहाँ पे, उसमें से इसको या दोनों को बीच बीच में हटाते रहते हैं, ठीक है। कारण क्या है, इसलिए हटाते रहते हैं क्योंकि जो क्लास 11th में आपने पढ़ा है लीच एटेलियर प्रिंसिपल, ठीक है। तो लीच एटेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या था कि जब कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होता है तो प्रोडक्ट साइड का कॉन्सेंट्रेशन कम अगर करते जाएंगे तो वो रिएक्शन उसको बैलेंस करने के लिए अपने आप को किस डायरेक्शन में लेके जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, है ना, इस डायरेक्शन में लेकर के जाएगा फॉरवर्ड, यानी कि राइट की तरफ। तो बैलेंस करने के लिए जब राइट की तरफ जाएगा तो क्या होगा, ज़्यादा एस्टर बनेगा, रिएक्शन थोड़ा फास्ट होगा, है ना। तो इस रीजन से हम लोग रिएक्शन को थोड़ा फास्ट करवाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट्स में साइड में मिल रहा है हम लोगों को, उसको थोड़ा थोड़ा करके हटाते रहते हैं, ठीक है। ये लीच एटेलियर प्रिंसिपल पे बेस्ड है, है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं द इस्टर्स एंड वाटर फॉर्म्ड
should regularly be removed. ठीक है, should regularly be removed because decrease in concentration of products takes the reaction in the forward direction and leads to formation of more products and leads to formation of more products. This is in accordance with Lee Chatelier's principle. ठीक है, तो इसमें क्या हम लोग समझ पाए कि अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड जब कॉन्क एस्टोसफोर के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है तो वाटर निकल जाता है और जो मेन प्रोडक्ट है वो इस्टर बन जाता है. इस तरह से रिएक्शन होगा. इसमें ध्यान क्या देना होता है कि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, और हम लोगों को इस रिएक्शन को फास्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है कि जो प्रोडक्ट साइड में बन रहा है उसको आप रेगुलर हटाते रहेंगे. इससे क्या होगा कि रिएक्शन बैलेंस करने के लिए अपने आप को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाएगा ताकि रिएक्शन थोड़ा फास्ट हो जाए. और ये प्रिंसिपल था ली चैटेलियर प्रिंसिपल जो हम लोग 11th में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, अब इस रिएक्शन का कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. ये तो एक जनरल रिएक्शन हो गया ना, अब इसका जब कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे तब आप रिएक्शंस लिख पाएंगे. तो देखिए कैसे रिएक्शन लिखना है. जैसे यहाँ पर अब कोई अल्कोहल मैं ले लेता हूँ, जैसे मिथेनॉल. ठीक है, इसमें कोई इथेनोइक एसिड ले लेते हैं, CH3C OH हो गया. तो इस तरह से आपको वाटर निकाल देना है बीच से, है ना. वाटर निकाल देना है तो इसका H और इसका OH, वाटर ऐसे निकल जाएगा. तो प्रोडक्ट जो आप लिखेंगे यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका मतलब अंडरस्टूड है कि कॉन्क एस्टोसफोर है, क्योंकि एसिड जो है वो तो H प्लस ही देता है ना. इसलिए वाटर निकल गया तो प्रोडक्ट क्या बना, CH3O CO CH3. ठीक है, CH3O फिर C डबल बॉन्ड O और फिर CH3. तो ये इस्टर हो गया और साथ में यहाँ पे वाटर भी निकल जाएगा. इसको क्या बोलेंगे, CH3COO- इथानोएट कहलाता है और ये मिथाइल है. तो इस्टर का नेमिंग ऑलरेडी किया हुआ है हम लोगों का, तो ये हो जाएगा मिथाइल इथानोएट. यूपैक नेम में ऐसे लिखेंगे, कॉमन में लिखेंगे तो मिथाइल एसीटेट. ठीक है, मिथाइल इथानोएट और मिथाइल एसीटेट, कोई भी नाम आप यूज़ कर सकते हैं. तो इस तरह से रिएक्शन लिखा जा सकता है. कोई दूसरे, अगर मैं एसिड इधर लिख दूँ तो भी बात बराबर है. जैसे ऐसे भी लिखा जा सकता है ना, इथान, ये हो गया प्रोपेनोइक एसिड और इसमें हम कोई और अल्कोहल ले लेते हैं जैसे इथेनॉल. ठीक है, तो जैसे सीधा सीधा लिख देते हैं ऐसे, इथेनॉल H प्लस डाल दिए, एसिड मतलब डाल दिए. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, एसिड वाले पार्ट से OH और अल्कोहल वाले पार्ट से H.
वाटर तो बाहर हो गया, ठीक है, तो बचा क्या, सी एच थ्री सी एच टू सी ओ, सी एच थ्री सी एच टू सी ओ, यहाँ से ये बचा, और फिर यहाँ पे बॉन्ड तो यहाँ से टूटा है ना, तो इसलिए यहाँ से लगना शुरू होगा, तो ओ इथाइल, तो यहाँ पे लिख दिए ओ और फिर इथाइल इस तरह से, ठीक है, और वाटर ओ एच और एच यानी वाटर वो बाहर निकल जाएगा। ऐसे भी रिएक्शंस लिख सकते हैं, हमेशा ऐसे बॉन्ड बना करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप कंडेंस्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं रिएक्शंस को, ठीक है। मैंने एसिड को इधर कर दिया, अल्कोहल को इधर कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, बात तो बराबर ही है, ठीक है। तो नेमिंग क्या हो जाएगा, ये जो एसिड था प्रोपानोइक एसिड है, तो एक दो तीन कार्बन प्रोपानोइक एसिड, एच हट गया उसका तो प्रोपानोएट, एच हट के क्या लगा इथाइल, तो ये हो गया इथाइल प्रोपानोएट और प्लस वाटर, ठीक है। इस तरह से हम लोग ये रिएक्शंस लिख सकते हैं, साइक्लो कंपाउंड भी लिया जा सकता है यहाँ पे, जैसे अल्कोहल के जगह पे फिनॉल भी ले सकते हैं। जनरल रिएक्शन केवल दिमाग में रखना है, बाकी तो एग्जांपल्स आप कुछ भी लिख सकते हैं ना, क्या रिएक्शन करता है वो केवल दिमाग में रहना चाहिए, कैसे करता है वो दिमाग में रहना चाहिए, कंपाउंड्स तो बहुत सारा एग्जांपल्स में लिखा जा सकता है, ठीक है। अब जैसे कि इथेनोइक एसिड ये हो गया, ठीक है, फेनॉल, फेनॉल भी एसिडिक होता है, तो बेंजीन ओ एच हो गया फेनॉल, फेनॉल का एच निकलेगा, एसिड का ओ एच निकलेगा, वाटर बाहर, ठीक है, तो इसलिए क्या होगा एच प्लस, तो सी एच थ्री सी ओ, ओ बेंजीन, तो सी एच थ्री सी ओ ओ और फिर और वाटर तो साइड प्रोडक्ट है ही, तो इस तरह से ये भी स्टर हो गया। इसका नेमिंग कैसे करेंगे, सी एच थ्री सी ओ ओ एच, नेमिंग तो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर भी चुका हूँ पहले भी, अभी तो मुझे बताना नहीं चाहिए, बट फिर भी एक बार रिकॉल कर देते हैं। इथेनोइक एसिड है, योपैक नेम, एच प्लस हटा तो इथेनोएट, एच प्लस हट के क्या लगा फिनाइल, ये जब ब्रांच है तो फिनाइल कहते हैं इसको, तो फिनाइल इथेनोएट, फिनाइल इथेनोएट, ठीक है। कॉमन नेम में एसिटिक एसिड, एच प्लस निकला एसिटेट, फिनाइल तो फिनाइल एसिटेट, ये कॉमन नेम हो जाएगा। ऊपर वाला योपैक नेम है तो ये हो गया फिनाइल एसिटेट और प्लस वाटर, ठीक है। इस तरह से हम लोग इस्टर फॉर्म करते हैं, और ये हो गया पहला तरीका, नंबर ए स्टेरिफिकेशन का पहला तरीका था ये, ठीक है। अगर दूसरे तरीके पे आते हैं, चलिए, तो दूसरे तरीके में हम लोग एसिड हैलाइड से रिएक्शन करवाते हैं। अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे वो क्या था, अल्कोहल का रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड से था, अब हम लोग अल्कोहल का रिएक्शन किससे करने जा रहे हैं, एसिड हैलाइड से करने जा रहे हैं, ठीक है। तो स्टेरिफिकेशन का जो दूसरा तरीका है, ये स्टेरिफिकेशन का दूसरा तरीका, ठीक है, व्हेन अल्कोहल्स और फिनॉल्स आर रिएक्टेड विथ एसिड हैलाइड्स इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, पायरिडीन एक बेसिक कंपाउंड है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, शॉर्ट में उसको पी वाई लिखते हैं, पी वाई मतलब पायरिडीन, ठीक है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन देन इस्टर्स आर फॉर्म्ड अलोंग विथ along with
हाइड्रोजन हैलाइड HX. Pyridine is a basic compound. Is a basic compound which neutralizes the excess of HX, if any. देखिए क्या इसका मतलब हुआ, अल्कोहल को या फेनॉल को जब हम लोग रिएक्शन करवाएंगे किससे, अल्कोहल या फेनॉल को किससे रिएक्शन करवाने जा रहे हैं, एसिड हैलाइड से, ठीक है, किसके प्रेजेंस में, पाइरिडिन के प्रेजेंस में, तो हम लोगों को क्या मिलता है, इस्टर मिलता है और क्या मिलता है, हाइड्रोजन हैलाइड मिलता है. ये साइड प्रोडक्ट हो गया, मेन प्रोडक्ट इस्टर हो गया, ठीक है, रिएक्शन में ये होने जा रहा है. तो साइड प्रोडक्ट में जो HX मिला, HX मतलब जैसे HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, HI हो सकता है, ये सब, तो HX जो है वो खुद एसिडिक होता है. तो अगर प्रोडक्ट में, साइड प्रोडक्ट में जो ये मिल रहा है, अगर ये ज़्यादा हो जाएगा तो ज़्यादा एसिडिक कंडीशन हो जाएगा और फिर रिएक्शन जो है वो रुक जाएगा ज़्यादा एसिडिक कंडीशन में. तो ये सिचुएशन ना आए, इसको अवॉइड करने के लिए क्या किया जाता है, पाइरिडिन सब्सटेंस के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाया जाता है. पाइरिडिन जैसे मैंने बताया खुद एक बेसिक कंपाउंड है. तो अगर इफ़ एनी मतलब अगर HX ज़्यादा हो जाएगा तो वो जो बेसिक कंपाउंड है वो उस HX के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बना देगा और उसको न्यूट्रलाइज कर देगा. बेस है ना, ये बेस है और ये एसिडिक नेचर है. तो बेसिक सब्सटेंस एसिडिक सब्सटेंस से रिएक्शन करके क्या करेगा, एक सॉल्ट बना देगा और उसको वो न्यूट्रलाइज कर देगा. तो पाइरिडिन जो यूज़ करते हैं हम लोग, उसका यही पर्पस होता है इस रिएक्शन में, ठीक है. इस रिएक्शन में पाइरिडिन को यूज़ करने का क्या पर्पस है, कि अगर HX ज़्यादा हो जाए तो रिएक्शन एसिडिक ना हो जाए, तो उसके लिए वो उसको न्यूट्रलाइज कर दे, इसलिए हम लोग पाइरिडिन यूज़ करते हैं, ठीक है. रिएक्शंस जरा समझ लें, जैसे अल्कोहल, अल्कोहल का रिएक्शन किससे, एसिड हैलाइड से. एसिड हैलाइड क्या होता है, जैसे कोई भी अल्काइल ग्रुप ले सकते हैं, सेम या डिफरेंट, RC डबल बॉन्ड O OH ग्रुप, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है. ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है. तो कार्बोक्सिलिक एसिड का OH हटा दें और वहाँ पे एक हैलोजन लगा दें, तो ये हो गया एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड, और ये है अल्कोहल. तो रिएक्शन कैसे होता है, तो HX ऐसे बाहर निकलेगा, पाइरिडिन के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, ठीक है. तो HX बाहर निकल जाएगा तो क्या बचेगा, RCO, RC डबल बॉन्ड O हो गया, और फिर OR, तो बॉन्ड यहीं से जुड़ेगा क्योंकि यहाँ से और यहाँ से टूटा है बॉन्ड, तो ये दो एटम जुड़ेगा, तो OR और HX बाहर हो जाएगा. तो ये क्या बना, इस्टर बना, ठीक है. तो यही चीज़ जो यहाँ पे बन रहा है ये एसिडिक होगा, अगर ये ज़्यादा हो जाएगा थोड़ी देर के बाद तो पाइरिडिन क्या करेगा, ये बेसिक है, ये एसिड के साथ कंबाइन करके इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है. जैसे अल्कोहल का रिएक्शन यहाँ पे लिखा गया एक जनरल रिएक्शन, वैसे ही हम लोग फेनॉल का भी लिख सकते हैं, क्योंकि फेनॉल भी तो एसिडिक होता है ना. फेनॉल एसिड हैलाइड, ये हो गया एसिड हैलाइड. सेम वैसे ही, चूँकि फेनॉल भी एसिडिक है, H प्लस देगा, H प्लस X माइनस HX बाहर हो जाएगा, और ये चीज़ को आपको इसके साथ जोड़ देना है, तो बन गया प्रोडक्ट पाइरिडिन के प्रेजेंस में, ठीक है. कैसे लिखेंगे, RC डबल बॉन्ड O हो गया. यहाँ से बॉन्ड टूटा तो ये एटम को इससे जोड़ दीजिए, तो ऑक्सीजन जुड़ गया उससे, और इस ऑक्सीजन के साथ फिनाइल ग्रुप, तो इसके साथ फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है. तो इस तरह से ये इस्टर बन जाएगा और साइड में HX बार हो जाएगा, ठीक है. तो इस तरह से ये रिएक्शंस होता है ना.
तो अल्कोहल का और फेनॉल का दोनों का हम लोग स्टेरिफिकेशन इस तरह से आराम से करा सकते हैं, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन मैंने लिखा है ये जनरल रिएक्शन कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली बता नहीं रहा हूँ ना कि आर क्या है, आर कौन सा एल्काइल है क्या है, वो तो बता नहीं रहा हूँ, तो इसलिए ऐसे रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं जनरल रिएक्शंस, ठीक है। तो आपको याद क्या रखना है, जनरल रिएक्शंस ही याद रखना है, और बाकी अब तो मैं उस पर कुछ भी डालता जाऊँगा, एल्काइल ग्रुप की जगह पर मिथाइल इथाइल आइसोप्रोपाइल ब्यूटाइल कुछ भी डालता जाऊँगा और वो रिएक्शंस होता चला जाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना होता है जो जनरल रिएक्शन है उसी को याद रख सकते हैं, सारा रिएक्शन रटना नहीं है, ये याद रखना है। तो इसका एग्जाम्पल्स अगर कुछ लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, कोई भी अल्कोहल ले लीजिए, एसिड हैलाइड इधर भी लिखा जा सकता है, इधर भी, इसको इधर लिखें चाहे इसको इधर लिखें बात बराबर है, ठीक है। तो एक एसिड हैलाइड ले लेते हैं पहले, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, इसको क्या बोलेंगे, इथानोइल क्लोराइड। अगर ये OH होता, यहाँ पे अगर ये OH होता सपोज़, तो ये इथानोइक एसिड होता, OH हटा करके क्या लगा दिए, हैलोजन क्लोरीन लगा दिए, तो इथानोइक से हो गया इथानोइल और क्लोराइड, तो इथानोइल क्लोराइड एसिड हैलाइड ले लिए। एक अल्कोहल ले लेंगे यहाँ पे, कोई भी अल्कोहल ले सकते हैं, मिथनॉल इथनॉल कुछ भी ले सकते हैं, तो जैसे मिथनॉल ले लिए, किसके प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, पायरिडीन, तो ये Cl और ये H, HCl बाहर, तो CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O हो गया, और ये तो बाहर हो गया, यहाँ से बॉन्ड टूटा है तो ये एटम इससे लगेगा, यहाँ से बॉन्ड टूटा ना, बॉन्ड तो ऐसे टूट रहा है, तो ये इस कार्बन से जुड़ेगा कौन सा एटम, ये वाला टूट, क्योंकि यहाँ से बॉन्ड टूटा है, ठीक है, तो ओ सी एच थ्री, तो यहाँ पे लगा दिए ओ सी एच थ्री और प्लस एच सी एल, तो ये हो गया मिथाइल इथानोएट, नाम पहले लिख चुका हूँ ऑलरेडी। उसी तरह से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोग इस तरह से ले सकते हैं, ऐसे भी लिखा जा सकता है, बॉन्ड दिखाने की जरूरत नहीं है बार बार, इथेनॉल ले लिए तो होगा क्या, एच और बी आर बाहर, तो ये पूरा वैसे ही लिख देंगे, ओ के बाद ये ओ आर। तो पायरिडिन के प्रेजेंस में CH3 CH2 CH2 एक चार कार्बन CO और फिर यहाँ पे ओ इथाइल और प्लस HBr, ठीक है। इस तरह से हम लोग आराम से रिएक्शन लिख सकते हैं। एक फेनॉल का ले लेते हैं, फेनॉल बेंजीन OH फेनॉल हो गया, कोई दूसरा एसिड हैलाइड ले लेते हैं, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ Br, पायरिडिन के प्रेजेंस में रिएक्शन H और Br, HBr बाहर, और ये वाला पार्ट इस साइड से इसमें लगा देना है, इस साइड से, क्योंकि बॉन्ड इस साइड से टूट रहा है, इसको मत जोड़ दे, नहीं जोड़ना है ना, तो बेंजीन ओ और फिर इधर से सी ओ और फिर इसके साथ CH3 लगा हुआ है, CH3 प्लस HBr है ना, तो CH3 सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच रहता तो इथानोइक एसिड होता ये वाला हिस्सा, एच हटा दिए तो इथानोएट हो गया, हटा के क्या लगाया, फिनाइल, तो नाम हो गया फिनाइल इथेनोएट, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने आज जो है वो स्टेरिफिकेशन के बारे में जो समझा है, होपफुली सारा चीज़ क्लियर है, सारा रिएक्शंस मैंने ऑलरेडी समझाया हुआ है, एसिडिक नेचर हम लोग ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं और उसका क्वेश्चंस वगैरह भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो अगले वीडियो में फिर इसके आगे डिस्कस करते हैं।